पे एक जनहित याचिका मैंने हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें कल कोर्ट ने लहसुन चाइना का लहसुन और देसी लहसुन तलब किया था, तो आज कोर्ट ने पूरा लहसुन चेक किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 26 सितंबर को एक अनोखा मामला सामने आया, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चाइनीज लहसुन के खिलाफ जनहित याचिका यानी कि PIL दायर की गई। यह याचिका अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने दायर की, जिसमें चाइनीज लहसुन को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए उसके उपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका में दावा किया गया है कि चाइनीज लहसुन विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है और इसका सेवन भारतीय लोगों के लिए हानिकारक है। मामले की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प दृश्य देखने को तब मिला, जब अधिवक्ताओं ने कोर्ट रूम में ही भारतीय और चाइनीज लहसुन को पेश किया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चाइनीज लहसुन का पोषक तत्व स्तर काफ़ी कम है और यह जैविक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इसके विपरीत देसी यानी कि भारतीय लहसुन में अधिक पोषक तत्व होते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। अधिवक्ता मोतीलाल यादव का कहना है, उनको उगाने के लिए कई प्रकार के रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। उन्होंने याचिका में तर्क दिया है कि चाइनीज लहसुन का सेवन करने से हृदय रोग, कैंसर और पाचन तंत्र जैसे संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा चाइनीज लहसुन का उत्पादन गैर मानक तरीकों से किया जाता है, जिसके चलते यह भारतीय कृषि उत्पाद गुणवत्ता पर भी प्रभाव डालता है। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपील की है कि चाइनीज लहसुन के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। उनका कहना है कि देश से पहले ही पर्याप्त मात्रा में देसी लहसुन का उत्पादन होता आ रहा है और उसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। चाइनीज लहसुन की बढ़ती आपूर्ति से न केवल भारतीय किसानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा भी बनता जा रहा है। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी कहा है कि वह इसकी गंभीरता से जांच करेगी और जो भी फैसला लिया जाए वह आम जनता के हित में होगा। चाइनीज उत्पादों के खिलाफ विवाद कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी विभिन्न प्रकार के चाइनीज उत्पादों को लेकर भारतीय बाजार में सवाल उठाए गए हैं। सस्ते दाम और कम गुणवत्ता वाले चाइनीज उत्पादों ने भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाई है, लेकिन उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर हमेशा से ही संदेह बना रहा है। यदि अदालत इस जनहित याचिका के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो यह भारतीय बाजार में चाइनीज लहसुन की आपूर्ति को एक बड़ा झटका दे सकता है। क्या ये जनहित याचिका है और क्या कुछ इसमें अभी चाइना में लहसुन का उत्पादन बहुत ज़्यादा कीटनाशक इस्तेमाल करके पैदा किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो इसको जब इंडिया की लेबोरेटरी में 2014 में टेस्ट किया गया तो इस लहसुन को बहुत खतरनाक पाया गया और इससे कई बीमारी होने के खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 2014 में चाइनीज लहसुन के निर्यात पर बैन लगा दिया था कि चाइना से कोई भी लहसुन आयात नहीं किया जाएगा और ना ही मार्केट में बेचा जाएगा। इस समय पूरी इंडिया में राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो हड़ताल चल रही है, मंडी को बंद किया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज लहसुन वहाँ 80% बिक रहा है, जो कि पिछले 10 साल से बैन है। तो इसी के लेकर एक जनहित याचिका मैंने हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें कल कोर्ट ने लहसुन चाइना का लहसुन और देसी लहसुन तलब किया था, तो आज कोर्ट ने पूरा लहसुन चेक किया और उसके बाद चीन का लहसुन जो है वो जो यूपी के फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी के जो चीफ हैं उनको कल तलब किया है और उनसे रिपोर्ट मंगाई है कि इसमें खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आपने जब लहसुन आज कोर्ट में आप लेके गए, किस तरह से उसका निरीक्षण किया, कैसे देखा जाता? कोर्ट ने लहसुन को पहले देखा, उसके बाद वो जो कली थी उसको भी देखा और ये भी देखा कि चाइना का लहसुन बहुत मोटा है और देसी लहसुन जो इंडिया का लहसुन है वो बहुत पतला है, और दोनों को निरीक्षण करने के बाद जो सरकारी वकील था उसको कहा कि जो चीफ लेबोरेटरी का अफसर है उसको कल बुलाया जाए, उससे इसकी जांच करा के और रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो इस मामले में अब कल अगली सुनवाई है और लेबोरेटरी चीफ को तलब किया है हाईकोर्ट ने।